प्रार्थना में क्या करें, पूजा में क्या क्या करें, भगवान को कैसे सुनाएं हम हमारी बात, जिससे कि ईश्वर हमारी सुन ले और हमारे सारे काम अच्छे होने लग जाए। ये बात हर आदमी चाह रहा है, और जो भी पूजा कर रहा है, जो भी प्रार्थना कर रहा है भगवान की या अल्लाह की इबादत कर रहा है, कोई भी कुछ भी जहां इष्ट को पूज रहा है, उसको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि वो किन शब्दों से ईश्वर को पुकारे, क्या बोले जिससे कि भगवान उनकी बात सुने। ये समझने की बातें हैं, और हम कर क्या रहे हैं वो भी हमें समझना है, और करना क्या है इस बात को भी जान लेना है, तभी आपकी प्रार्थना या पूजा सफल होगी और आपकी बात ईश्वर तक पहुंचेगी और ईश्वर आपकी सुनेंगे और आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे। अब हम करते क्या आ रहे हैं शुरू से पूजा प्रार्थना। आज भी हर घर में रामायण का पाठ होता है। रामायण में जो कुछ भी लिखा गया है भगवान राम के लिए, हम उन्हीं शब्दों को एज इट इज अपने ऊपर लेकर के उनकी प्रार्थना कर लेते हैं। तो राम की प्रार्थना उस समय किस किस ने की थी? हनुमान जी ने, सुग्रीव ने, अंगद ने, शबरी ने, केवट ने, ये सब रामायण के पात्र हैं। इन सब ने ईश्वर की प्रार्थना की है, भगवान राम को राम माना और उनको जो कुछ भी अपने दुख सुनाए, अपने जो उनको तकलीफ थी वो उन्होंने सुना करके तुलसीदास जी ने उन्हीं के शब्दों में उनको कहलवाया, भगवान को ये प्रार्थना करवाई। हम क्या कर रहे हैं, वही शब्द फिर से दोहराते आ रहे हैं, पूरा जीवन हो गया है उन्हीं शब्दों को दोहरा दोहरा करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। रामायण कहती है कि मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, तुम तो दीनों पर कृपा करने वाले हो प्रभु, और मैं दीन हूं, हीन हूं, गरीब हूं, मेरी पीड़ा हरो, मैं दुखी हूं। हर आदमी दुखी थोड़ी है, ये पूजा कहने वाला, ये प्रार्थना करने वाला हर व्यक्ति दुखी नहीं है, फिर भी वो यही कह रहा। तो भगवान को बेवकूफ समझा कि किसी और ने जो प्रार्थना की थी अपने लिए वही प्रार्थना हम भी कर रहे हैं। तो भगवान राम कब तक इस झूठ को बर्दाश्त करेंगे, ये समझने की बात है। हो सकता है कड़वी लग रही हो, लेकिन समझिए इसको, ये सच्चाई है। द्रौपदी ने कहा मेरी इज्जत उतर रही है, मेरी साड़ी खींची जा रही है, प्रभु बचा लो, तुम भी यही कहोगे क्या? तुम्हारी साड़ी उतर रही है क्या? तुम्हारी इज्जत जा रही है? नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा, हमारे साथ ऐसा। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको रखेंगे ना ईश्वर के सामने। मैं शास्त्रों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, चाहे वो रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो। गीता में अर्जुन ने जो प्रार्थना करी वही हम करने के योग्य हैं क्या? वही प्रार्थना उन्हीं शब्दों से हम फिर कह दें कि मैं भी अर्जुन की तरह ही हूं, मेरे जिस तरह से आपने अर्जुन के ऊपर उनके दुख हरे थे, वही दुख तुम्हारे थोड़ी है ना? तुम्हारे दुख कुछ अलग होंगे, तुम उनको शामिल करो उन शब्दों में, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तुम्हारी प्रॉब्लम्स कुछ अलग हैं, उस समय जो प्रॉब्लम्स थी लोगों की वो उन्होंने भगवान से को कही, तो भगवान ने उनकी उन प्रॉब्लम्स को दूर किया। हमारी प्रॉब्लम्स दूर क्यों नहीं हो रही हैं? इसीलिए तो नहीं हो रही कि हम झूठी प्रॉब्लम्स लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान तभी सुनेगा जब आप सच बोलोगे कि वास्तव में तुम्हारी क्या दिक्कत है, उसको शामिल करो। अपने पुत्र को अगर आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो पुत्र का नाम लो भगवान के सामने, और उनको ये बोलना है कि ये मेरा पुत्र है, इसको मैं ऐसा बनाना चाहता हूं प्रभु, इसका उद्धार करो, ये कह करके प्रार्थना करनी है। हनुमान चालीसा या रामचरितमानस को पढ़ करके प्रार्थना नहीं करनी, या कबीर के सूरदास के भजनों को गा करके आप सोचते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, नहीं होंगी, क्योंकि आपको सच बोलना पड़ेगा, आपको सच्चाई बयान करनी पड़ेगी कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको लेकर के भगवान से कहो।
तो ये तो प्रार्थना की बात हुई। फिर मैं तो यहां तक कहूंगा कि प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है और सबके लिए वो अच्छा ही कर रहा है। जिसको जितना देना था उसको दे रहा है, तुम उसका सिर्फ धन्यवाद करना सीख लो। ईश्वर कभी भी कोई कमी छोड़ नहीं रहा है किसी के लिए, सबको सब कुछ दे रहा है वो, लेकिन हम मांगते ही मांगते जा रहे हैं, सिर्फ मांगते जा रहे हैं। कभी ये कहने नहीं जा रहे हैं हम कि प्रभु आपने जो दिया उसका बहुत बहुत आपका धन्यवाद, हृदय से मैं खुश हूं। अगर बच्चे माता पिता के सामने ये बोले कि मैं खुश हूं, तो माता पिता और ज्यादा उसको खुश करेंगे। और अगर बच्चा खुश होने के बावजूद भी ये कहे कि मैं तो दीन दुखी, तो माता पिता को लगेगा झूठ बोल रहा है ये, मैं तो इसको रोज कुछ ना कुछ दे रहा हूं गिफ्ट, और ये मुझे कहता है कि मेरे लिए कुछ और करो। तो तृप्त हो जाओ पहले, तुम तृप्त नहीं हो रहे हो ईश्वर की दी हुई वस्तुओं से। ईश्वर ने जो कुछ भी तुम्हें प्रदान किया है वो भी सब मुफ्त में, तो उसका आनंद लो, उसका धन्यवाद करो। हम उसका आनंद नहीं लेते बल्कि और मांगने की कोशिश में रहते हैं, हमेशा हमेशा भिखारी बने रहते हैं। हम ऐसे ही पड़े हैं भगवान के दरबार में, तेरे दर पे आए हैं, हे प्रभु तेरे दरवाजे पे पड़े हैं भिखारियों की तरह। ये प्रार्थनाएं बहुत पहले की थी, अब जमाना बदल गया है। आपकी अपनी स्थिति को आकलन करिए कि पहले आप कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले आपके पास कितना धन संपत्ति दौलत थी, अब कितनी है, उसकी कितने गुनी बढ़ा दी है ईश्वर ने। अगर ईश्वर को ही श्रेय दे रहे, आपके कर्म कुछ नहीं है, कि भगवान ने जो दिया वही है। हमारे मुंह से दो शब्द बड़े आसानी से निकल जाते, बस दाल रोटी चल रही है। क्यों भाई दाल रोटी चल रही है, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं आप। अपने अंदर से तो कहो कि हाँ मैं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, ईश्वर का दिया सब कुछ है मेरे पास, और मैं दूसरों का भी कल्याण कर सकता हूं। इस तरह के भाव कभी लाए नहीं, हमेशा मांगते रहे भगवान के दरबार में। ईश्वर से हमेशा एक ही प्रार्थना की है आपने कि मैं, मेरे पास नहीं है और मुझे दे दो। कभी ये कहा कि जो है उसके लिए कभी बताने गए? बच्चे को आपने दो सूट सिलवा दिए और बच्चा कहे कि मेरे पास तो एक भी नहीं है, मेरे को सूट सिलवाना इस साल। तो माता पिता क्या करेंगे, यार दो मैंने सिलवा दिए, तीसरा फिर मांग रहा और कह रहा कि है ही नहीं और तुमने किया ही क्या मेरे लिए। तो कितना अच्छा लगेगा माता पिता को आपके शब्द सुन करके, ऐसा नहीं करना ऐसा। वो भी माता पिता ही हैं, ईश्वर जो है भगवान जिसको हम इष्ट मानते हैं वो हमारा पालन करता है, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, उसके लिए थैंक यू बोलो, अगला ले लो। यही प्रार्थना है, यही सच्ची पूजा होगी, यही सच्ची आपकी ईश्वर को प्राप्त करने की भक्ति होगी। ईश्वर के आगे के और कुछ सोर्सेस और कुछ उनकी शक्तियां अपने अंदर बुलाने की यह आकर्षण शक्ति होगी आपके पास, अगर आपने भगवान को इस तरह से कहना शुरू कर दिया, पूजा इस तरह से करना शुरू कर दी। तुम भौतिकवाद में फंसे हुए हो, भौतिकता में, ये जो सांसारिक वस्तुएं दिख रही, तुम्हें लगता है इनसे हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, हम फूल चढ़ा देंगे, कहां से आया फूल तुम्हारे पास, हम माला चढ़ा देंगे, किसने बनाई, तुम तो 10 रुपए 5 रुपए देकर के माला ला करके भगवान पर चढ़ा देते हो, 15 रुपए का नारियल चढ़ा देते हो। ये नारियल फल फूल मालाएं ये सब प्रकृति के ध्यान है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे इस मिट्टी में अगर उर्वरा शक्ति नहीं होती तो तुम कुछ भी नहीं इसमें से उगा सकते थे, और वो उर्वरा शक्ति देने वाला कौन है, बादल, बादल बरसे नहीं तो फसल नहीं, नदियां नहीं बहेंगी, और ये बरसात करने वाला और ये धरती से वनस्पतियों को उगाने वाला कौन है। कुरान भी मानती है अल्लाह ने ही सब कुछ बनाया है, और हम भी कहते हैं कि जगत पिता ब्रह्मा ने ही सब कुछ बनाया है, विष्णु हमारा पालन पोषण करते हैं। हर धर्म में हर पुजारी हर इबादतगार यही कहता है कि सब कुछ अल्लाह का दिया है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ ईसा मसीह गॉड का है, हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो फिर हम क्या पूजा दिखा रहे हैं, हम क्यों भगवान के सामने एक नारियल दो फूल अगरबत्ती लेकर के चले जाते हैं और कहते हैं कि हम लाए,
तुम्हारा कुछ है ही नहीं जो तुम उसको दे रहे हो, तुम्हारे तो सिर्फ भाव है, भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान सिर्फ आपके थॉट्स के भूखे हैं, आपके विचार के भूखे हैं कि आप सिर्फ इतना विचार भर कर लो कि मेरे पास तेरे द्वारा दिया गया सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, ये कहना सीख लो, आपके काम सफल हो जाएंगे। आप यही तो चाहते हैं कि मेरी पूजा सफल हो जाए, लेकिन आप कभी सफल होने दे नहीं रहे पूजा को। मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन आप अच्छा प्राप्त कर नहीं रहे, आप हमेशा भिखारी बने हुए हैं। हमेशा भगवान से सिर्फ मांगना, सिर्फ मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हम। मांगना छोड़ो, प्राप्त करना सीख लो, ले लो उनसे, आपका तो हक बनता है उनसे लेने का। आप जबरदस्ती भी उठा सकते हो भगवान के यहां से, कहां से? विचारों से, अपने थॉट से। ये विचार ले लो कि भगवान ने सब दे दिया, मैंने सब कुछ ले लिया। यही सच्ची प्रार्थना है, यही सच्ची पूजा है। हम उन डकियानों से जो पुरानी लोगों के द्वारा करी गई प्रार्थनाएं हैं उनको न करें, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शामिल करके अपनी एक नई प्रार्थना, एक नया गीत गाओ, एक नया गीत जिसमें आपकी स्वयं की अच्छाइयां बखान हो कि हमने ये कर लिया है और अब ये करना बाकी है। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि आगे का हमारा भविष्य अच्छा हो। हम इस जमाने में जी रहे हैं, हम रामायण कालीन नहीं हैं, हम भागवत कालीन नहीं हैं, हम महाभारत के पात्र नहीं हैं। हम तो उनकी गाथाएं, उनकी कथाएं, उनकी कहानियां सुनते आ रहे हैं, और उन कहानियों को ही हमने अपनी प्रार्थना बना लिया तो कहां से तरक्की होगी? जो किसी और ने कहा वही तुम कह रहे हो, कहां से तरक्की होगी? तुम कुछ अलग कहो। यही बात मैं संगीत के शिष्यों को भी कहता हूं कि तुम अपना गीत गाओ। तुम किसी की बंदिश को लेकर के तुम्हें लगता है कि तुमने संगीत सीख लिया? जो बंदिश कोई बहुत पुराने शास्त्रीय गायक गा के चले गए वही बंदिश तुम गा रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम कलाकार हो गए? ऐसा नहीं है, आप कलाकार नहीं हो गए। आप कलाकार तब होंगे जब आप बंदिश देंगे। बस यही कहना चाह रहा हूं, पूजा, साधना, मेहनत, यही इस तरह से परिवर्तन हो, इसको बदलना पड़ेगा। सफलता आपके साथ है, हमेशा रहेगी। जय हो।